आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी की पढ़ाई शुरू करेंगे। काव्य खंड में इसके पहले हमने पढ़ा था पद। पद के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, काव्य सौंदर्य पढ़ा था। आज हम इसकी आगे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं पद के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? फिर से, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि वे कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। हमने व्याख्या में भी पढ़ा था कि वो कृष्ण के मित्र सखा हैं, उनके साथ रहते, फिर भी वह उनके प्रेम में नहीं बंध पाए। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। प्रश्न दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? उद्धव कौन थे? कृष्ण के मित्र सखा थे। वो गोपियों के पास योग का संदेशा लेकर आए थे। उत्तर है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। तो पहला उदाहरण है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते के समान की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती और उसका उस पर क्या दाग भी नहीं बनता। फिर दूसरा, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। फिर है प्रश्न तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे उद्धव को उलाहने और ताने दिए हैं। तो पहला है, गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान मानती हैं, जो पानी में रहकर, जैसे अभी हमने प्रश्न का उत्तर पढ़ा था, रहकर भी उससे अछूता है, यानी वे प्रेम की मूरत कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए, और गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम बंधनों से मुक्त है, उन्हें प्रेम के मायने नहीं आते। ऐसा गोपियां क्यों कहती हैं? क्योंकि वह जो गोपियां हैं, कृष्ण के प्रेम के कारण वो क्या हैं? दुखी हैं, पीड़ा है उन्हें। फिर वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है और उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकते हैं। फिर है आगे का प्रश्न कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर है कि गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वो समय गिन रही थी, पल पल वो कृष्ण के आने की रास्ता देख रही थी। कल याद हो, अपने व्याख्या में यही सब पढ़ा है। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए अपने मित्र सखा उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना शुरू किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। आगे का प्रश्न है कि
मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? इसका उत्तर है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। प्रेम की मर्यादा। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर अपने मित्र के माध्यम से गोपियों के पास योग का संदेश भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उनको अपनी विरह वेदना से उनको बताएंगे। पर श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने मित्र सखा को भेज दिया। अब अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है या व्यक्त किया है। सबसे पहले तो गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ करी थी। हमने पहले पद की व्याख्या में ये समझा था पुरानी क्लास में कि जो गुड़ में क्या होती है, चिपक जाती है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर, गुड़ यहाँ पर बोला है कृष्ण को, जो गुड़ पर आसक्त होकर प्रेम से विभूषित होकर उनसे चिपक जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी भी माना है। वह श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। हारिल पक्षी क्या होता है, जो हमेशा अपने पंजों में किसी लकड़ी या तिनके को पकड़ा रहता है, हारिल पक्षी कहलाता है। तो यहाँ गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती पूर्वक दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते सपने में दिन रात कृष्ण ही कृष्ण की रट लगाती रहती है। अब है आगे का प्रश्न, सातवां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की? इसका उत्तर है कि गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा ऐसे लोगों की देने की बात कही जिनका मन क्या है, चंचल है, स्थिर नहीं है, जिनका मन अस्थिर है और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम से पहले ही एकाग्र। इस प्रकार योग साधना का उद्देश्य उनके लिए निरर्थक है और योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उद्देश्य देने की बात कहती हैं। चंचल मन वालों है, उनका मन स्थिर नहीं रहता है। फिर आगे का प्रश्न कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। क्या योग साधना को निरर्थक बताया है और गोपियों के अनुसार उन लोगों के लिए है योग जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है, उनके मन में श्री कृष्ण ही निवास करते हैं, वे उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित भी हैं। यह
लकड़ी कलनी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है और यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह योग की शिक्षा उनको उनके प्रीतम श्री कृष्ण से दूर करने की बात कहती है। फिर प्रश्न 9 की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। फिर 10वां प्रश्न की गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना तन मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है कि गोपियों को लगता है कि वे कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा को भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग में शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का मन और भी आहत हो गया और श्री कृष्ण में आए ये इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण से के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अब है प्रश्न कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर यानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो पहला है गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, साहसी। गोपियां पूरी तरह से निडर हैं और उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के और बीमारी की तरह बताती है। फिर दूसरा, व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग किया है कि वे उद्धव को बढ़भागी कहती है, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। फिर है स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। अब है आगे प्रश्न 12। संकलित पदों का ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भ्रमर गीत की विशेषताएं इस प्रकार है। निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के समक्ष सामने कम है। गोपियां विरह वेदना को झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपलम्ब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ साबित कर दिया। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की तरह बताकर अनन्य प्रेम का भी परिचय दिया। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें भी संगीतमत्ता का गुण सहज ही दृष्टिगत हो जाता है। बच्चों, आप इन सबको अपनी कॉपी में लिखना, याद करना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना।